ये महिला 15 सेकंड में मरने वाली है, इसे एक अज्ञात हत्यारे ने गोली मार दी है। जब गोली उसके शरीर के अंदर से गुजरी, समय अचानक रुक गया। वह हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। तभी मौत की देवी प्रकट हुई और उसे बताया कि वह उसे अंतिम के 15 सेकंड दे सकती है, उसे नरक भेजने से पहले बदला लेने के लिए। वह असली कातिल को कैसे ढूंढे, बदला लेने की योजना बनाए और इसे 15 सेकंड में पूरा करे। महिला जानती है कि यह लगभग असंभव है, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है और एक कोशिश करने का फैसला करती है। महिला अपने मन मुताबिक समय को रोक और शुरू कर सकती है। पहला कदम ये होगा कि वो पीछे मुड़कर हत्यारे का चेहरा देखे। अब सिर्फ 14 सेकंड बचे हैं, लेकिन वह वापस मुड़ने में विफल रही, क्योंकि जिस क्षण समय शुरू हुआ, दर्द भी गंभीर रूप से तुरंत बढ़ गया। परंतु गंभीर दर्द में भी उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। जब उसने पीछे मुड़कर हत्यारे को देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि हत्यारा उसकी क्लाइंट की बेटी किम है। किम की माँ मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उसके लक्षणों से राहत पाने के लिए उसे नियमित दवा लेनी थी। वह महिला उनकी फार्मासिस्ट थी। चूंकि उसकी माँ की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए महिला ने उसे और दवा दी, लेकिन उसकी माँ को मरने में ज्यादा समय नहीं लगा। किम शायद अपनी माँ की मौत के लिए उसे दोषी ठहराती है, इसलिए बदला लेने के लिए आई है। लेकिन महिला जानती है कि वह निर्दोष है, इसलिए उसने योजना बनाई कि वो शेष समय का उपयोग प्रतिशोध लेने के लिए करेगी। उसने अंतिम 13 सेकंड का उपयोग हत्यारे को मारने के लिए करने का फैसला किया। उसने अपने चारों ओर देखा और अपने दिमाग में एक पूरी योजना बना ली। पहले उसने पाउडर को जमीन पर बिखेर दिया, ताकि जब हत्यारा अंदर आए तो वह अपने पैरों के निशान छोड़ दे, जिससे कि पुलिस हत्यारे का पता लगा लेगी। इसके बाद उसने जल्दी से टेबल पर किम का नाम लिख दिया, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है और हत्यारे को इसका पता चल जाएगा, लेकिन महिला यही चाहती है। उसने उस पेन को फेंक दिया, ताकि अगर कातिल उसे बदलना भी चाहे तो उसे दूसरे पेन का प्रयोग करना पड़े, जिसके कारण पुलिस आसानी से अलग अलग लेखन को पहचान लेगी। हालांकि इस तरह की सरल रणनीति को हत्यारे द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महिला का असली उद्देश्य कातिल को मारना है। उसने दो फूलों को सॉकेट में डाल दिया और जैसे ही उसने उसे छोड़ा, फूलों पर लगी पानी की परत टेबल पर पड़े पानी के संपर्क में आ गई। अगर कातिल लेखन को बदलने की कोशिश करेगी तो उसे फूल को हटाना पड़ेगा, जिसके कारण वो पानी के संपर्क में आ जाएगी। लेकिन केवल टेबल पर मौजूद पानी से करंट नहीं लगेगा, इसलिए महिला ने बाल्टी के पानी को जमीन पर बिखेर दिया। इस तरह से टेबल पर मौजूद पानी और जमीन पर मौजूद पानी हत्यारे को करंट देने के लिए काफी है। योजना इतनी सटीक थी कि यहां तक कि मौत भी इसकी प्रशंसा कर रही थी। वह आखिरी क्षणों का प्रयोग कातिल की जानकारी पुलिस के लिए छोड़ने के लिए करना चाहती थी, लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। हत्यारे ने फिर से गोली मार दी। ये पता चला कि जब महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो कातिल ने सोचा कि महिला जवाबी हमला करेगी, इसलिए उसने एक और शॉट मारा। अब महिला का जीवन केवल 0.6 सेकंड बचा है। अब इतने कम समय में वह कुछ भी नहीं बदल सकती। मौत ने उसे हार मानने के लिए कहा, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी। उसने कातिल को सच्चाई से अवगत कराने की ठान ली। महिला ने पत्र को जमीन पर देखा और समझ गई कि यह उसका आखिरी मौका है। महिला मारी गई, किंतु हत्यारे को नहीं पता है कि महिला ने क्या तैयारी की है। वह पता लगाने अंदर आई हत्यारे और उस जाल को देखते हुए जिसे उस स्त्री ने लगाया है। मौत अजीब सी मुस्कराई। हत्यारे ने पाउडर को जमीन पर देखा, इसलिए पैरों के निशान छोड़ने के डर से उसने स्लीपर्स पहन लिए। उसने टेबल पर अपना नाम पाया, इसलिए उसने एक पेन उठाया ताकि वो नाम को बदल सके। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह अलग पेन है, तो उसे महिला की योजना समझ आ गई। इसलिए उसने महिला द्वारा फेंका गया पेन उठाया और लेखन को बदलने ही वाली थी, लेकिन जैसा कि महिला को उम्मीद थी, उसे बिजली का झटका लगा, लेकिन वह मरी नहीं बल्कि बस बेहोश हो गई। जब कातिल फिर से उठी और उसने बाहर सुरक्षा गार्ड के कदमों की आवाज सुनी, तो उसने जल्दी से लिखावट को बदल दिया और जब वह जाने ही वाली थी, तभी उसने महिला के हाथ में एक पत्र देखा। उसने सोचा कि यह महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है, इसलिए वह उसे उठा के भाग गई। जब उसने पत्र खोला तो वह चौंक गई, क्योंकि वो पत्र उसकी माँ की थी। उसकी माँ को लगता था कि वह अपनी बेटी के लिए एक बोझ है, इसलिए उसने दवा लेना छोड़ दिया था, जिसके कारण उनकी स्थिति और भी अधिक गंभीर होती चली गई। सच्चाई जानकर हत्यारे को पछतावा हुआ और वह जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और वानर सिनेमा को सब्सक्राइब कर दीजिए।